Yes, dear students, I believe you will be fine and enjoying good health. Today is our lecture about 20, how to make sales return inward in QuickBooks. This one is the lecture number 21. So let's start and learn how to sales return in the QuickBooks. So this one is the interface window of the QuickBooks. आज हम सीखेंगे कि हमने refund और credits अपने customer को कैसे करना है. पहले हमने हाउ टू रिटर्न इन्वेंट्रीज फ्रॉम द वेंडर्स, हमने अपनी परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स और रिटर्न इन्वेंट्री को सीखा इन द क्विक बुक्स. बट नाउ वी विल बी लर्न अबाउट हाउ टू रिटर्न सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू अवर कंपनी अकाउंट, यानी कस्टमर हमें कैसे रिफंड करता है और हमने उसको कैसे मैनेज करना है. हाउ टू मैनेज इट एंड वट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इन दिस मैटर. तो स्टूडेंट्स, हमने रिफंड एंड क्रेडिट्स पे जाना है, इसको क्लिक करना है. दिस विंडो विल बी अपीयर टू यू. इसमें आपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है. सपोज करें कस्टमर हमारा ये है, क्रेडिट नंबर 4 आ गया. आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, रिटर्न रिसीट या क्रेडिट मेमो, हम दोनों का पर्पस एक ही है, क्रेडिट मेमो. और हम यहाँ पे एलसीडी को 1 है, 1 क्रिएट करेंगे कि हम एक सेल्स रिटर्न हुई है फ्रॉम द मिस्टर फान, ही इज अवर कस्टमर एंड ही रिटर्न टू अस फ्रॉम एलसीडी सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकती है, तो वो हमें कर रहा है. हम सेव एंड क्लोज करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा एक विंडो अपीयर होगी रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट, कि ये क्रेडिट की सूरत में रहे और हम इसको बाद में मैनेज करेंगे. गिव आर फंड या अप्लाई टू एन इनवॉइस, 3 हमारे पास जो हैं वो वेरिएबल्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द सिस्टम, के रिटेन एज अवेलेबल यानी ये क्रेडिट कस्टमर का हमारे पास रहे, या गिव अ फंड हम इसको रिफंड करें, या अप्लाई टू एन इनवॉइस कस्टमर हमसे पैसे रिक्वायर कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे और अपने चेकिंग अकाउंट से उसको लिख देंगे सेल्स रिटर्न. इसको ओके करेंगे, ये हमारा इशू दिस रिफंड बाय चेकिंग अकाउंट, अकाउंट ये है. हम इसको अभी देखें उसका 421,000 बैलेंस है. ऐसी इसका 10,000 बैलेंस डिक्रीज होने के बाद 411,000 बाकी रह जाएगा. इसको अभी ओके करें तो अब आप इसका इफेक्ट दे सकते हैं कि बैलेंस आपका डिक्रीज हो चुका है. इसको मजीद आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये आपका बैलेंस 10,000 आपने पेमेंट्स कर दी है, डिपॉजिट ये था और आपका ये मिस्टर फान को अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स रिटर्न हो चुका है. सो स्टूडेंट, दिस वन इज द प्रोसेस अबाउट हाउ टू सेल रिटर्न टू द हाउ टू सेल रिटर्न्स विल बी रिकॉर्ड इन टू योर क्विक बुक सॉफ्टवेयर. सो दिस वन इज द वेरी इजी स्टेप. So I believe that this information is very beneficial for you. Like, subscribe and share it to your other friends. Thanks.